जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, पूरा पानी है भाई। बारिश बहुत जोर से हो रही है भाई साहब। अफसोस ये, अबे डूब जाएगा भाई, रहने दे, आ जा ऊपर आ जा। मीटअप था आज भाई बस्ती के सबसे दो सबसे बड़े ब्लॉगर। क्या क्या चेक करवा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। तो एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो भाई साहब, पिछले 24 से 30 घंटे में लगातार बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा सुबह सुबह धूप निकली हुई है बस। भाई साहब, इतनी बारिश हुई पूरा खेतों में देखे पानी भरा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक। वहाँ पे बच्चे लोग जराई उखाड़ने लगे हैं, मतलब धान बैठने का काम अभी चालू हो गया है। वहाँ पे देखिए एक ट्रैक्टर चल रहा है, लेवा मार रहा है, ये देख सकते हैं आप। सूरज थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। हेलो ब्रो। और इस पर जो टेम्परेचर है गाँव का वो है लगभग 26 डिग्री सेल्सियस। भाई हमारे गढ़ी में भी पूरा पानी पानी हो गया है, इतनी बारिश हुई। यहाँ से पुल से पानी होते हुए इधर जा रहा था। और भाई साहब, अभी हम आए थे अपना ग्राउंड का मुआयना करने, यहाँ पे भी पानी पानी है, ग्राउंड पे भी पूरा पानी है भाई। इनसे खेल बंद है और अभी लगता है दो तीन दिन और जाएगा, अगर बारिश ना हुई तो, अगर हुई तो और बढ़ जाएगा। तो भाई साहब, हमारा एक प्लान था वो चौपट हो चुका है, मैं आगे बताता हूँ क्या प्लान था। बहुत बड़ा प्लान था भाई। भाई साहब, उसी चक्कर में हमारे इरफान भाई भी तैयार व्यार होके एकदम आ गए थे, मैं नहीं तैयार हुआ था क्योंकि मुझे मालूम था मौसम बहुत ख़राब है। तो भाई हम जाने वाले थे बस्ती। तो भाई साहब, प्लान ये था हमारा, मीटअप था आज भाई बस्ती के सबसे दो सबसे बड़े ब्लॉगर भाई चचा भतीजा शेख ब्रॉस और एनवी व्लॉग्स का, क्योंकि अभी वो साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा मिलने का प्लान था भाई, वो उन्होंने ही कैंसिल कर दिया। हमने स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पर तो फिर वापस चले। अच्छा हुआ हम लोग बाइक लेके निकले नहीं, नहीं तो वैसे ही पेट्रोल की इतनी महंगा हो गया तो हमारा डाउन हो जाए। पिछले एक घंटे पहले स्टोरी उन्होंने डाल दी थी, बट हमने चेक किया थोड़ा लेट सही, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे वैसे ही चेक कर लिए। तो अभी 4-5 दिन बाद फिर से मीटअप करेंगे तो हम ज़रूर मिलाने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये वाला प्लान था, सोचे आज मिलने को मिल जाएगा भाई अपने एरिया के सबसे दो सबसे बड़े ब्लॉगर से। लेकिन इरफान भाई भी नाराज़ हो गए थोड़ा सा, देख लें कपड़ा वपड़ा भाई तैयार ही थी एकदम चकाचक वाली। भाई साहब, अभी बस्ती की तरफ बहुत जोर से बारिश हो रही है और यहाँ पे ये बारिश स्टार्ट हो गई है। हमारा बंदर ऊपर चढ़ा हुआ है, ए आजा नीचे भाई गिर जाएगा। और हमारी नदी है कलौटी इधर है। तो भाई साहब, अभी हम जामुन के पेड़ के नीचे, इरफान भाई भी उतर गए हैं और बारिश भी हो रही है और क्या हम लोग खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, लेकिन अभी लगता है जोर का पकड़ लेंगे, अभी जाना पड़ेगा घर पे। बारिश बहुत जोर से हो रही है भाई साहब, जाओ नहा लो। क्या मौसम है भाई, जोरदार बारिश, वाह क्या बात है, इतनी जोरदार बारिश हुई भाई, बहुत तगड़ी। देखो पूरा पानी पानी लग गया, वहाँ से पानी भी गिर रहा है। चलिए करीब से दिखाते हैं आपको। वाह वाह वाह, ये सब पानी भाई सब जा रहा है सीधा गढ़ई में। और जहाँ देखो पानी, ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई भाई, ये देखिए वाह। सब अभी जो गढ़ई में पानी जा रहा है वो सब यहाँ से होते हुए, एक ये साइड से यहाँ नीचे गिर रहा है और एक ये साइड से वो वाला पानी सारे आ रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये साइड ऐसा गिर रहा है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये गिर रहा है यहाँ पे। भाई साहब, एक घंटे की बारिश की वजह से इतना सारा बुरा हाल हो गया। जगह हो गई एकदम, खड्डा हो गया पूरा। देख ए इरफान, जो कुछ जाओ उसी में जा, ए अफसोस ए, अबे डूब जाएगा भाई, रहने दे, आ जा ऊपर आ जा। हमारे गुड्डू भाई नज़ारा ले रहे हैं बड़ा वाला। तो भाई साहब, अभी शाम के 7 बज चुके हैं और लाइट भाई साहब फाइनली आ गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जहाँ से पहले लाइट आती थी वहाँ से चेंज करके दूसरे का लाइट लगा दिए हैं, तो इसकी वजह से लाइट बहुत हाफ है। तो अभी वहाँ से वापस लगने में लगभग 4-5 दिन लग जाएंगे, तब तक दिक्कत ही दिक्कत है भाई। और इतनी ज़्यादा हाफ है ना कि हमारा इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, अंधेरा हो गया है। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।